जय मनुष्य के संस्कार और गुण अपने आप दिखते हैं कभी किसी को बताना या दिखाना नहीं पड़ता संपत्ति हो और साथ ही साथ संस्कार भी हो ऐसा जरूरी नहीं संपत्ति तो रातों रात बिना प्रयत्न आ जा सकती है लेकिन संस्कार एवं समझ शक्ति आने में बरसों लग जाते हैं श्री महापात्र ने महाशक्ति तक पहुंचने के बाद उनके दर्शन करने के लिए एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी जीवात्मा को एक मौका दे रहे हैं श्री महापात्र ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय बताया है इस जीवात्मा को पांच ऋण बंधन से मुक्त होना पड़ेगा पहला माता पिता माँ शक्ति वैदिक संस्कृति प्रकृति और गाय माता ऐसे में पहले माता पिता क्या आज राजा दशरथ और माता कौशल्या जैसे कोई जीवन जी रहा है क्या ऐसे माता पिता हमें मिलेंगे आज घर घर में माता पिता दुखी है और उनका कारण वह स्वयं ही है संतान को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया अंग्रेजी में बोलना सिखाया फादर्स डे मदर्स डे मैरिज एनिवर्सरी हैप्पी बर्थडे जैसे सभी प्रसंगों को मानते देख हम खुश हो जाते हैं माता पिता को मॉम डैड कहना सिखाते हो जब संतान इस सभी विदेशी कल्चर से प्रभावित होकर आपको समय ना दे पाए आपका मान सम्मान ना करे यहाँ तक कि आपको वृद्धाश्रम तक छोड़ आए तभी घर का वातावरण अशांत किए बिना घर के एक कोने में जाके बैठ रो लेना क्योंकि इन सभी के जिम्मेदार केवल हम ही हैं। जैसे करते हैं वैसा भुगतना पड़ता ही है संतान के पहले जन्मदिन पर बूंदी के लड्डू बांटने चाहिए क्योंकि वो एक संघनिष्ठा का प्रतीक है लेकिन चाकू से केक काटना सिखाने वाले हम ही हैं। मंत्र कौन सा है उसकी ताकत क्या है उसका तप क्या है यह पूजा पाठ के संस्कार देने के बजाय अंग्रेजी में लप लप बोल के सिखा कर खुश होने वाले हम ही है बाहर जा रहे हो तो प्रणाम करने के बजाय बाय बाय बोलने वाले हम हैं परीक्षा में जा रहे हो तो बुजुर्ग के पाँव छू कर उनके आशीर्वाद लेने के बजाय सब सिखाने वाले और बोलने वाले भी हम ही हैं आज कई ऐसी वेदिक संस्कृति है जिसमें पैर छूने में भी शर्म आती है आज माता पिता ही है जो अपने संतान को वैदिक संस्कृति से विमुक्त कर रहे हैं जिस संस्कृति के बारे में संतान को कोई ज्ञान ही नहीं उसकी आशा रखना सबसे बड़ी भूल है आज हमारी वेदिक संस्कृति विनाश के ओर है श्री महापात्र कहते हैं शक्ति द्वारा हमारे जीवात्मा को अस्तित्व मिलता है और माता पिता के द्वारा उस अस्तित्व की पहचान मिलती है इसलिए व्यक्ति पूजा छोड़ शक्ति पूजा को अपनाए श्री महापात्र कहते हैं भूल करना वो मनुष्य की प्रकृति है लेकिन उस भूल को स्वीकारना और सुधारना वह संस्कृति है गौ माता की रक्षा कीजिए उनको यहाँ वहाँ ना छोड़े जिस में हमने उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, तो फिर क्यों आज हम उसको यहाँ वहाँ छोड़ रहे हैं गौ माता की वेदना क्या कहती है आज इस परिस्थिति ने मुझे कुछ इस तरह बांट दिया किसी ने पूजा की किसी ने काट दिया लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर कि मुझे इस तरह बांट दिया श्री महापात्र ने महाशक्ति तक पहुंचने के बाद एक सत्युग का द्वार खोला है उसमें जाना या नहीं आज हमें तय करना है आचरण से वह पांच ऋण बंधन से मुक्त पाना या नहीं वह हमें तय करना है अंदर प्रवेश करना है उसके लिए मेहनत करनी होगी अगर संघर्ष का सामना नहीं करेंगे तो बाहर बैठते ही ताकते रहेंगे जय मां विश्व